हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। पोहा बहुत से राज्यों में अलग अलग तरीके से बनता है, तो हम हमारे तरीके से बनाने जा रहे हैं। और बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, और कुछ ज़्यादा हमने इसमें इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किए। आप डेली बेसिस पे कम चीज़ों में एक मतलब टेस्टी पोहा आप ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। बट मेक श्योर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले एक हम फ्राई पैन या तवा लेंगे, उसमें 100 ग्राम मूंगफली के दाने को बिना ऑयल की रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि पोहा में मूंगफली दाना तो यूज़ ही होता है। तो सबसे पहले हम उसको रोस्ट कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम उसे फटाफट से रोस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये रोस्ट होने से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो जब आप पोहे में इसको डालेंगे तो इसका जो क्रंचीनेस रहेगी ना, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पोहे का में। तो पहले रोस्ट करना, या तो आपके पास पहले से रखे हों तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। देन अगेन हम सेम फ्राई पैन लेंगे, और उसमें 1 या 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, और फिर उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हम मस्टर्ड सीड्स, और 7 से 8 करी पत्ता ऐड करेंगे। और इनको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक ये स्प्लिट हो जाते हैं अच्छे से, तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और फिर इसमें हम 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते तो आप उन्हें स्किप कर दीजिए, अदरवाइज पोहे में हरी मिर्च अच्छी लगती है तो आप ज़रूर पोहे में हरी मिर्च को ऐड करें। देन इसके बाद हम बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने 2 प्याज ऐड किए हैं बारीक कटे हुए, आप चाहें तो 1 भी ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट, चलिए प्याज को हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट हो जाए, और थोड़ा सा गोल्डन ट्रांसपेरेंट होने के बाद थोड़ा सा लिटिल बिट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम उसको फ्राई करना बंद कर देंगे। फिर इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप हल्दी पाउडर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं पोहे की क्वांटिटी पे। और फिर इसमें हम 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, शुगर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करिए, नहीं पसंद है तो मत ऐड करिए पोहे में। लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो पोहे का स्वाद और अच्छा हो जाता है, तो मेरी प्रेफरेंस है कि आप शुगर को ऐड कीजिए, फिर पोहा बनाइए तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है। देन उसमें कुछ सब्जियां मैंने ऐड की हैं, जैसे गाजर हो गई, बीन्स हो गई, आप चाहें तो ये कुछ ही मत ऐड करिए, क्योंकि पोहे में नेसेसिटी नहीं है कि अगर आपके पास सब्जियां नहीं है तो आप सब्जियां ऐड करें, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास थी, मैंने ऐड कर दी, और आप बिना सब्जियों के भी पोहे को अच्छे और टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए, इनको भी हल्का सा हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्राई करना है, क्योंकि हल्की सी जब सब्जी कम पकी हुई होती तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट में वो अच्छी लगती है। तो इनको हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे फटाफट से। इनको चलाते रहना है और फटाफट से हमें फ्राई करना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। नमक और चीनी एक दूसरे के स्वाद को बैलेंस करती हैं, तो रेशियो जो है वो अपन चीनी का और नमक का कम ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा चीनी कम रहेगी और नमक आपके स्वादानुसार रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पोहा। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पोहा लिया था, उसको भिगो के रख दिया था, फूल की इतना हो गया। आप चाहे तो 100 ग्राम भी पोहा ले सकते हो, उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को, सारी चीज़ का मेज़रमेंट आप फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो पोहा क्या अच्छे से वॉश करके हमें रखना है, पानी में भिगो के नहीं रखना है, वॉश करके उसको स्ट्रेनर से पानी निकाल देना है, उसके बाद हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे रख देना है, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसमें जो हमने मूंगफली के दाने रोस्ट किए थे वो भी ऐड कर देंगे, और चलिए इसको अच्छे से हम लेते हैं मिला, मिक्स कर लेंगे फटाफट से पोहे को। तो थोड़ा सा जल्दी से मिला लेते हैं इसको हम, और हल्दी का कलर धीरे धीरे से जैसे आप मिलाते जाएंगे वैसे आता जाएगा इस पर। फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी अगर आपको कम लग रही हो तो आप, और इसके बाद हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। मैंने 1 नींबू का जूस ऐड किया है, क्योंकि पोहे थोड़े ज़्यादा थे, अगर कम हो तो आप 1/2 नींबू ऐड करिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसमें क्वांटिटी के हिसाब से 1 नींबू ऐड किया है, ठीक है। फिर नींबू के रस को भी हम अच्छे से मिला लेंगे।
चलिए अब ये पोहा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया सब कुछ। अब इसमें हम गार्निश के लिए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, हरी धनिया पत्ता उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो गार्निश करने के लिए सेव, जो नमकीन सेव वाली नमकीन रहती है वो भी ऐड कर दें तो और अच्छा रहता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आई होप मेरी सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। और उससे पहले अगर फिर से मैं कहना चाह रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।